नमस्कार दोस्तों, यूपीटर पॉलिसी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptplsclecturesonline@gmail.com। तो आप सभी लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पर हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश लेखपाल की। तो लेखपाल की हम लोग बात करें तो अभी मैंने आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कुछ जेन्युइन कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई देना चाहिए और कुछ ईमेल्स हैं उनका रिप्लाई देना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो कमेंट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेखपाल के सिलेबस की। ठीक है, इसकी परीक्षा योजना क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें चार सेक्शन होंगे, आपका हिंदी होगा और आपका मैथ्स होगा, जीके होगा और आपका ग्राम समाज एवं विकास होगा। ठीक है, ये चारों आपके होंगे। सब में जो है आपका 25-25 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर के आपके जो है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होंगे। समय आपको मिलेगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका कब होना है, 19 जून, ठीक है, 2022 को ये आपका एग्ज़ाम होना है। तो समय बिल्कुल भी नहीं है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल लग जाएं अब, है ना। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यानी कि 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखिए, तुक्के कम से कम इस्तेमाल करें, तुक्के ना ही लगाएं तो बेहतर होगा। गेस करने की ज़रूरत नहीं, जो आता है वही करें और अच्छे से करके आएँ। ठीक है, तो आइए आपकी मैं कमेंट्स उठाता हूँ और आपके ईमेल्स पढ़ता हूँ, फिर आपको उसका जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मुझसे पूछा है, हेलो सर, आई एम गौरव राठौर। गौरव राठौर जी ने पूछा है, मुझे बताएं कि लेखपाल में से SDM कितने टाइम में बन सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई सर। रिप्लाई तो मैं करता ही हूँ लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखिए, लेखपाल से SDM बनना जो है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई बनता नहीं, 100 में से 1-2 लोग बनते हैं, बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं वहाँ तक। क्यों, उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, लेखपाल से जो है आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कानूनगो तक जो है आपको जाने में लगभग जो है 8 से 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर से आपको जो है नायब तहसीलदार जो है पहुंचने में जो है आपको करीब जो है 15 से 18 साल लग जाएंगे। और फिर नेक्स्ट प्रमोशन आपका होगा तहसीलदार पे। ठीक है, तहसीलदार पे ये आपको 20 से 25 जो है समय लेगा, 22 से 25 साल इसमें आपको लग जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका जो प्रमोशन होगा वो आपका SDM पद पे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको जो है 30 से 35 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो 30 से 35 साल बहुत लंबा समय होता है। जो लोग यंग एज में भर्ती होंगे वो लोग जो है SDM पद तक पहुँचेंगे, लेकिन इसमें एक लेकिन भी है, यह प्रमोशन आपका कब होता है, दिस प्रमोशन इज डन ओनली वन ऑन आउटस्टैंडिंग सर्विस। ये प्रमोशन तभी होगा जब आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो इन पदों पर रहते हुए, कोई बहुत बड़ा काम आपने किया हो जो आम पदाधिकारी ना कर पाया हो, तब जाके आप SDM बनेंगे, अन्यथा आप तहसीलदार तक आते आते रिटायर हो जाएंगे। जनरली लेखपाल क्या रहता है, लेखपाल जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कानूनगो तक पहुँच के रिटायर हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग जो है नायब तहसीलदार तक पहुँचते हैं और बहुत कम लोग जो है तहसीलदार तक पहुँच पाते हैं। लेकिन SDM तक पहुंचने में जो है वही बंदा पहुंचता है जिसने कोई बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया हो और जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा हो, सर्विस बुक बिल्कुल अच्छी हो। ऐसा नहीं कि SDM नहीं बनते हैं लेखपाल, लेखपाल SDM मतलब, चूंकि आपको पता है ये कमीशन पोस्ट होती है। ठीक है, UPSC से ऑर्गेनाइज की जाती है ये पोस्ट आपकी SDM वाली, और इसके अलावा डायरेक्ट भर्ती होती है नायब तहसीलदार की, ये भी जो है आपकी भर्ती होती है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ये पद और आपका नायब तहसीलदार का और SDM का पद, ये दो पद जो है कमीशन पद हैं, UPSC से डायरेक्ट भर्ती होते हैं। बस यही रीज़न है, नायब तहसीलदार जो होता है वो SDM बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन लेखपाल को SDM तक पहुंचने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। सर, मेरा नाम शिखा गुप्ता है। सर, लेखपाल के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, कृपया उत्तर जरूर दें। कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है ये तो भाई मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, कौन कितनी देर बैठ सकता है, किसका माइंड कितना शार्प है, कौन कितनी देर में समझ सकता है, किसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कैसी है, ये आप खुद से आके। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 4 घंटे जो है डेली देने ही देने हैं।
अब ये 4 घंटे कैसे देने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप रेगुलर 4 घंटे देते आ रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको शादी में जाना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, ये 4 घंटे और प्लस उस दिन के 4 घंटे, यानी कि आपको जो है कुल मिला के 8 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, ये 4 घंटे वाली स्कीम है, तब तो आपका सिलेक्शन होगा पर डे, यानी कि अगर आपका गैप कोई होता है तब भी आप नेक्स्ट डे जो है वो 4 घंटे ऐड कर लेंगे। अब सोचिए अगर किसी दिन आपने क्या किया, 2 दिन गैपिंग कर ली, तो फिर 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे, इससे बेहतर 1 दिन का गैप मारें अगर बहुत इमरजेंसी है तो, अन्यथा 4 घंटे तो यार हर आदमी 24 घंटे में निकाल ही लेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपके पास समय है, अगर आप कुछ करते नहीं केवल पढ़ाई करते हैं, तो भाई 7 से 8 घंटे दे दें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। तो ये मत देखिए कितने घंटे पढ़ने हैं, बस सही दिशा में आप प्रयास करिए और जो चैप्टर्स हैं आपके जो परीक्षा में आते हैं उनको मार्क कर लीजिए, रेगुलर जो पूछे जाते हैं हर बार, और उन्हीं को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, समय जितना भी हो कम हो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाय, दिस इज अमित कुशवाहा, आई एम ए गवर्नमेंट टीचर, काइंडली टेल मी प्लीज़, गवर्नमेंट टीचर इज़ बेटर और लेखपाल, रिप्लाई सून। गवर्नमेंट टीचर, कौन से गवर्नमेंट टीचर हैं आपने मेंशन नहीं किया। गवर्नमेंट टीचर कई टाइप के होते हैं, एक तो आपका होता है PRT प्राइमरी टीचर, ठीक है, दूसरा आपका होता है TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो गया, फिर होता है आपका PGT पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, आपने ये नहीं बताया। फिलहाल मैं आपको जो है PRT टीचर यानी प्राइमरी टीचर मान के चलता हूँ। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपका ग्रेड पे होगा 4200, ठीक है, और लेखपाल का ग्रेड पे आपको पता है 2000 रुपये होता है। प्राइमरी टीचर की सैलरी बनेगी पर मंथ जो है 37,000 के आसपास, लेखपाल की सैलरी आपकी बनेगी 24,000 से 25,000 के आसपास। ठीक है, सैलरी का डिफरेंस होगा, जॉब प्रोफाइल का डिफरेंस हो गया। लेखपाल में क्या रहेगा, आपको जो है समय सीमा कुछ है नहीं, शाम को कहो 4-5 बजे भी आपको जाना पड़ जाए, शाम को 7 बजे भी जाना पड़ जाए, पैमाइश हो रही है अगर, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, आपको काम बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, और सैलरी कम है। टीचिंग में क्या रहता है, प्राइमरी टीचर में क्या रहता है, वो स्कूल गए, बच्चों को पढ़ाया, काम वाम दिया, थोड़ा बहुत ऑफिशियल काम निपटाया, और कहीं अगर मान लो इमरजेंसी में ड्यूटी वगैरह लगा दी कि 1-2 दिन का, तो वो भी निपटा लिया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता, सैलरी तो आपको पता ही मिलती है अच्छी खासी, इसके अलावा इन्हें छुट्टियाँ भी बहुत मिलती हैं। ठीक है, विंटर वैकेशन है, समर वैकेशन है, सारे वैकेशन इनको मिलते हैं। लेखपाल में क्या रहता है, 365 दिन आपको काम करना, संडे वाली छुट्टी मिल गई, ऑफिस बंद है, फिर भी अगर कोई काम हुआ बुला लिया गया, बाकी राजपत्रित छुट्टी 1-2 मिल गई, तो इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है और सैलरी कम रहती, लेकिन टीचिंग में जो है काम कम सैलरी ज़्यादा रहती। तो मेरे हिसाब से टीचर बेटर है, लेकिन अगर आपको लेखपाल बेहतर लग रहा है तो आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेखपाल में सैलरी कितनी मिलती, भाई 24,000 से 25,000 के आसपास सैलरी लेखपाल में मिलती है। ठीक है, 2000 ग्रेड पे होता है इसका लेखपाल का, 24,000 से 25,000, ये वेरी करता है हर एक स्टेट में और अपने यहाँ जनपद में। जैसे मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी में लखनऊ वगैरह में पोस्टिंग होगी लेखपाल बन के गया, तो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी 1,000-1,500 रुपये, बाकी अगर रूरल एरिया में थोड़ी सी कम रहेगी, है ना। लेकिन 24,000-25,000 के समथिंग बनती है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता इतनी बनती। नेक्स्ट देखते हैं। मनीष कुमार गौतम, सर हमारे पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हमको बाहर कर देंगे लेखपाल भर्ती से। अरे नहीं भाई, किसने बोल दिया, CCC का सर्टिफिकेट इस बार माइनेटरी नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है 2022-23 भर्ती में कि CCC आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास CCC नहीं है फिर भी पेट और आपका प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप जो है आराम से इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई बाहर करने वाला नहीं। CCC सर्टिफिकेट के लिए तो बिल्कुल कोई बाहर नहीं करेगा, बाकी अगर मेरिट वेरिट में नाम नहीं आता है, फेल हो जाते हैं आप, ठीक है, तब तो बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन CCC सर्टिफिकेट के लिए कोई बाहर नहीं करेगा। क्लियर है। मोहम्मद जावेद ने पूछा है, लेखपाल में अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं। बिल्कुल मिलता है भाई, अगर आपकी मेरिट जो है अच्छी है तो आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा कौन सा जनपद लेना चाहेंगे। हाँ, एक चीज़ बता दूँ आपको, तहसील अपनी नहीं मिलती है, ठीक है, तहसील जो है आपको नहीं मिलेगा अपना, और बाकी होम डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हैं। अगर मेरिट आपकी अच्छी है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल जाती है, तहसील आपकी आसपास रहेगी आपके तहसील के, लेकिन अपनी तहसील नहीं मिलेगी। क्लियर है। चलिए, हेलो सर, लेखपाल ज़्यादा अच्छा है कि यूपी पुलिस सिपाही ज़्यादा मस्त नौकरी है, मैं दोनों की तैयारी कर रही है, आसान कौन है ये भी बता देना। नाम नहीं लिखा इन्होंने भाई,
देखिए भाई, यूपी पुलिस की जो आपकी कांस्टेबल भर्ती होती है, उसके अलावा जो आपकी लेखपाल भर्ती होती है, दोनों का ग्रेड पे जो है 2,000 रुपये होता है, लेकिन वर्क प्रोफाइल में दोनों के जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? ये आपकी हो गई राजस्व की नौकरी लेखपाल वाली, और ये आपकी हो गई पुलिस की नौकरी। तो पुलिस की नौकरी में क्या रहेगा, आपको 24 घंटे काम करना है। रात में 11-12 बजे बुला लिए, लेखपाल में 5 बजे के बाद कोई कहीं नहीं पूछता, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन कांस्टेबल में क्या है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है ना। छुट्टियों की बड़ी मारामारी रहती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है लेखपाल कैमाइज करने जाता है ज़मीन की, तो उसमें कांस्टेबल की ड्यूटी लगा देते, तो लेखपाल की जो है सहायता के लिए कांस्टेबल हो जाता है, उसकी मदद करता है। दोनों के नौकरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फील्ड की नौकरी दोनों हैं, खैर मानता हूँ, लेकिन इसमें कांस्टेबल वाले में प्रेशर ज़्यादा रहता है, लेखपाल वाले में आराम की नौकरी रहती है। आप गए, दिन भर काम वाम किए और शाम को अपना घर में, कहीं आना जाना नहीं, कोई ज़रूरत पड़ी तभी जाएंगे। और कांस्टेबल में क्या रहता है, आपके पास फ़ोन आया भाई, आपके इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया, भाई ये मामला हो गया, आपको चलना है, चलना है। और ये थोड़ा सा रिस्की नौकरी रहती है, ठीक है भाई, जान माल का खतरा रहता है इसमें, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, चैन से अपना नौकरी किया, पैसे लिए, बाकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत जो है सिपाही की सैलरी में मानता हूँ ज़्यादा होती है, कुछ 2-4 हज़ार रुपयों का फ़र्क होता है ना। तो और बाकी कोई विशेष नहीं। बाकी अगर आपको बेल्ट की नौकरी पसंद है, आपको पुलिस पसंद है, पुलिस में पावर तो खैर होती है, एक सिपाही की पावर समझ लीजिए लेखपाल से ज़्यादा है। लेखपाल किसी गांव में पहुँचेगा तो गांव वाले डरेंगे नहीं, लेकिन अगर एक सिपाही पहुँच गया ना यूनिफॉर्म में, तो गांव वाले दबेंगे थोड़ा सा, ठीक से बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप पावर और रुतबा पसंद करते हैं तो बेशक आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जाइए, लेकिन अगर आप चैन की नौकरी करना चाहते हैं तो फिर लेखपाल के लिए जाइए, बाकी इच्छा आपकी है। तो भाई हो गई आपकी कमेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी, कुछ अच्छे कंटेंट्स के साथ में, कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।